हाय गाइस, वेलकम करता हूं मैं आपको आपकी अपनी ही यूट्यूब चैनल जेके जॉब अपडेट्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्ट्स स्ट्रीम कैंडिडेट्स के बारे में। बिकॉज आप जानते ही होंगे जो अकाउंट्स असिस्टेंट के 2000 पोस्ट्स आने वाले हैं जेएंडके में, उन पोस्ट्स के लिए आर्ट्स स्ट्रीम कैंडिडेट्स को इन एलिजिबल करार दिया गया है, जो कि टोटली इनजस्टिस है उन कैंडिडेट्स के साथ जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम में अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, जो इन पोस्ट्स का सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पहली बार जेके जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सो आप जानते ही होंगे हमारी स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट का मसला किस हद तक बढ़ चुका है। यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्ट निकलना काफी हार्ड हो चुका है। अब अगर निकलने भी वाले हैं तो उसके लिए भी इन्होंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में चेंजेस किए हैं। सो आई थिंक इट इज इनजस्टिस विद दोज कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन इन आर्ट स्ट्रीम। देखिए, जो आर्ट स्ट्रीम के कैंडिडेट्स है उनका भी पूरा हक है, वो भी इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने क्वालिफिकेशन में चेंजेस की। अब एक ही रास्ता है जो आर्ट स्ट्रीम के कैंडिडेट्स है, अगर वो अप्लाई करना चाहेंगे तो एक ही वे है उन्हें खुद को एलिजिबल बनाने के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट उससे पहले ये वीडियो मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज मैंने सब्सक्राइबर्स में जो गुस्सा देखा, जो नाराजगी देखी इस क्वालिफिकेशन के रिलेटेड, जो क्राइटेरिया इन्होंने निकाला अपनी वेबसाइट पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो मैंने पोस्ट किया था अपनी वेबसाइट पे एंड मैं आपको इस वीडियो की कमेंट्स को शो करता हूं। वन मिनट, यहां पे डाटा लोड हो रहा है। सो ये आप देख सकते हो, ये है सब्सक्राइबर्स हमारे जिनकी तरफ से हमें ये कमेंट्स मिली। यही रीजन है मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इनजस्टिस फॉर आर्ट स्टूडेंट। उसके बाद आप नीचे भी देख सकते हो, शफीक अहमद ने कमेंट की है, इन्होंने भी कहा है इनजस्टिस हुए है आर्ट स्टूडेंट्स के साथ। उसके बाद यहाँ पे वंदना शर्मा, इन्होंने भी इसकी मजम्मत की है। देन इसी तरह से अगर हम नीचे आए तो बहुत सारी ऐसी कमेंट्स है जिनमें कैंडिडेट्स ने अपनी नाराजगी दिखाई। सो यही रीजन है मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, अगर बाकी स्ट्रीम्स के कैंडिडेट्स एलिजिबल है, लाइक कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आर्ट स्ट्रीम के क्यों नहीं है? कॉमर्स वाले जो है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो है या साइंस स्ट्रीम वाले जो है या आर्ट स्ट्रीम वाले जो है, सब ने मिलके एक ही कॉलेज से अपनी डिग्री हासिल की है। सभी ने 3 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट की है। या अगर हम रिवाइज्ड पैटर्न देखें यूनिवर्सिटीज का, तो सभी ने 6 सेम दिए। मैंने भी 6 सेम दिए हैं, मैं भी आर्ट स्टूडेंट हूँ। मेरा बैच था 2015 एंड मेरी ग्रेजुएशन हुई 5 साल में। सो हजारों ऐसे कैंडिडेट्स है जिन्होंने 5 साल में अपनी ग्रेजुएशन की है आर्ट स्ट्रीम में, तो क्या उनके 5 साल जाया हुए? सो आई थिंक इट इज टोटली इनजस्टिस। अब कैंडिडेट्स को क्या करना है? देखिए, अभी सिर्फ नोटिस निकली है इन पोस्टर्स के रिलेट, अभी ये जो पोस्टर्स है इनका ऑर्डर JKSSB को नहीं मिला है। सो अगर आर्टिस्ट कैंडिडेट्स चाहे तो वो खुद को एलिजिबल बना सकते हैं इन पोस्टर्स के लिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा? कैंडिडेट्स को सिंपली थ्रू आउट स्टेट प्रोटेस्ट करना होगा इन पोस्टर्स के रिलेट। एंड अगर कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट किया, देखिए एक ही प्रोटेस्ट करना है, अगर कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट किया फिर आप देखना खुद ये रिवाइज्ड नोटिफिकेशन निकालेंगे अपनी वेबसाइट पे क्वालिफिकेशन के रिलेट। बिकॉज आर्टिस्ट कैंडिडेट्स बराबर हक रखते हैं इन पोस्टर्स के लिए जितना बाकी स्ट्रीम के कैंडिडेट्स रखते हैं। अब मान लीजिए अगर 2000 पोस्टर्स है, ठीक है, चलिए 95% वैकेंसीज हम रख लेते हैं बाकी स्ट्रीम्स के लिए। ये जो 2000 पोस्टर्स आने वाले हैं, ये आने वाले हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स है। एंड अगर हम 95% बाकी स्ट्रीम्स को देंगे एंड आर्ट स्ट्रीम के लिए अगर हम 5% ही रखेंगे, तो वो भी 110 कैंडिडेट्स बन जाते हैं। यानी 110 कैंडिडेट्स आर्ट स्ट्रीम के भी रिक्रूट होंगे अगर 5% जो आर्ट स्ट्रीम के कैंडिडेट्स है उन्हें दिए जाए। सो एक ही रास्ता है कैंडिडेट्स के पास के प्रोटेस्ट करे इन पोस्टर्स के रिलेट। एंड सोशल मीडिया पे भी आप एक कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो, लाइक आर्टिकल्स क्रिएट करके, पोस्टर्स क्रिएट करके या इस वीडियो को शेयर करके। बिकॉज ये मेरी आवाज नहीं है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है ये उन सब की आवाज है। चलिए, वी होप सो कि आगे से ऐसा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इन पोस्टर्स के सिलेबस के बारे में। देखिए,
जैसे ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया, जो मैंने अभी आपको शो किया इन पोस्टर्स के रिलेटेड जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसके बाद वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे काफी सारी कमेंट्स इस वीडियो पे मिली सिलेबस के रिलेटेड। कैंडिडेट्स का कहना था कि हमें सिलेबस प्रोवाइड करो। देखिए सोचने वाली बात है, अभी सिर्फ इन पोस्टर्स के लिए नोटिस आई। हाँ मैंने देखा कुछ यूट्यूब चैनल्स पे आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है, ये है अकाउंट असिस्टेंट पोस्टर्स का सिलेबस, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फेक सिलेबस है। अभी इन पोस्टर्स की खाली नोटिफिकेशन आई है, सबसे पहले इन पोस्टर्स का ऑर्डर मिलेगा JKSSB को एंड JKSSB रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेगी। JKSSB इन पोस्टर्स के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगी, सिलेबस निकालेगी। जब JKSSB को ऑर्डर ही नहीं मिला अभी इन पोस्टर्स का, तो सिलेबस कहां से आएगा? अगर JKSSB को इन पोस्टर्स का एग्जाम करना है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट थोड़ी इन पोस्टर्स के लिए सिलेबस निकालेगा, इन्होंने खाली नोटिस निकाली है कि इतने पोस्टर्स आने वाले हैं। सो सिलेबस JKSSB निकालेगा, जो आपको यूट्यूब चैनल्स पे सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है आजकल वो फेक है। सो आप अकॉर्डिंग टू डेट सिलेबस इन पोस्टर्स की प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं करना, बिकॉज अभी ऑफिशियली कोई भी सिलेबस नहीं आया है, अभी JKSSB को ये पोस्टर्स रेफर ही नहीं किए गए। सो जैसे ही JKSSB को इन पोस्टर्स का ऑर्डर मिलेगा, वो सिलेबस निकालेंगे, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे एंड कैंडिडेट्स फिर इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, एंड जो सिलेबस निकालेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड रही बात इंटरव्यू की, इन पोस्टर्स का इंटरव्यू नहीं है, इन पोस्टर्स का खाली रिटर्न होगा। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उनका डायरेक्टली सिलेक्शन लिस्ट आएगा। तो एक गुड न्यूज है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो इन पोस्टर्स के लिए फिर अप्लाई करेंगे। तो ओके थैंक्स, आई होप कि आपको वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर आप पहली बार जेके जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ओके थैंक्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।